अगली खबर आ रही है जामताड़ा से, जहां बीती रात मिहिजाम थाना क्षेत्र के साहाडाल शाहजहां खां के घर में अवैध रूप से बंदूक बनाने का मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन पश्चिम बंगाल एसटीएफ की टीम ने किया। आपको बताते चले कि मिहिजाम थाना क्षेत्र से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर यह मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। एसटीएफ की छापामारी में काफी संख्या में निर्मित तथा अर्ध निर्मित पिस्तौल तथा बंदूक बरामद की गई है। कोलकाता में 2 दिन पूर्व मैगजीन के साथ 4 लोगों को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार हुए अपराधियों के निशानदेही पर एसटीएफ की टीम ने एक अपराधी को अपने साथ मिहिजाम गन फैक्ट्री पहुंची और बारीकी से जांच किए। मिहिजाम थाना के सर्कल इंस्पेक्टर सुनील चौधरी ने मिहिजाम थाना के प्रेस वार्ता कर बताया कि पश्चिम बंगाल कोलकाता की एसटीएफ ने साहडाल गांव में शाहजहां अंसारी नामक व्यक्ति का घर में छापेमारी की, जहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इस छापेमारी में भारी संख्या निर्मित अर्ध निर्मित बंदूक बरामद की गई है। इसका मुख्य सरगना शाहजहां खां का दामाद रियाज अंसारी उर्फ राजू है। परिवार के सभी सदस्य मामले में संलिप्त हैं, जिसमें 2 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले में 9 नामजद आरोपी के साथ कई अन्य शामिल हैं, बाकी सभी लोग फरार हैं। अभी तक की प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसका मुख्य सरगना रियाज अंसारी उर्फ राजू है। कोई संगठन से भी रिलेटेड है इसको? भाई अभी तक की छानबीन में ऐसी कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हो पाई। ये हथियार कहाँ सप्लाई किए जा रहे थे इसका कुछ? कांड में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे से वो इसकी डिलीवरी करने कभी चितरंजन रेलवे स्टेशन, कभी धनबाद रेलवे स्टेशन भी जाती थी। और इस कांड में नामित अभियुक्त इम्तियाज उर्फ अब्बू और उसका बेटा अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ कोलकाता में गिरफ्तार हो चुका है।